नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। कई दिनों से महाराष्ट्र में यानी शिवसेना सरकार की जो टिप्पणियां हैं, जो चर्चा चल रही है वो देखने को मिल रही है। वही मुद्दा लाउडस्पीकर मुद्दा जो कि आज इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां नवनीत राणा और शिवसेना के बीच में एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। लेकिन इस दरार के बीच में अब बीजेपी और शिवसेना में भी दरार आ गई है। जी हां, दोनों में अब बहस चालू हो चुकी है, आपस में जो विवाद है वो शुरू हो चुका है, किसी ना किसी चीजों को लेकर एक दूसरे पर लगातार बयान दे रही है, एक दूसरे पर लगातार तंज भी कस रहे हैं। अब इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें वो केंद्र सरकार को बोलते हैं बीजेपी के लिए, यानी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जिनकी पार्टी है बीजेपी, उनके लिए बोलते हैं कि भेदभाव होता है, केंद्र सरकार भेदभाव करती है। इस चीज को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। पहले देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों से कहा कि वह वेट में कटौती करे। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक ऐसा बर्ताव रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के एक प्रति जैसा बर्ताव भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र में एक लीटर डीजल पर 24.38 रुपए केंद्र को टैक्स और 22.37 रुपए राज्य को टैक्स और 32.55 रुपए राज्य का टैक्स है। इसकी वजह से ये कहना गलत होगा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम राज्य की वजह से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आम जनता पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए पिछले साल नवंबर में आयात शुल्क में भी कटौती का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से उस वक्त आग्रह किया था कि वे अपने यहाँ वेट कम करें। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।